समय चुनाव का दौर भी चल रहा है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव के रिजल्ट्स न भाजपा की सरकार को गिरा सकते हैं, न कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ में दोनों जुटे हुए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ऐसा लग रहा है ये सेमीफाइनल हो रहा है, फाइनल से पहले का सेमीफाइनल। इसकी परफॉर्मेंस ये जाहिर करेगी कि फाइनल में किस तरह के नतीजे आएंगे। कांग्रेस बहुत आक्रामक तैयारी में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस ताकत के साथ में जा रही है, एक चुनौती तो होती है, सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होंगे, सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं भी होंगी। बीजेपी के लिए आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मैं दो बातें ही कहता हूँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमतर नहीं लेती, छोटा बड़ा नहीं होती, ये पार्टी का स्वभाव है, चरित्र है उसका। दूसरा, मैं ये बात देखता हूँ कि जिस सेमीफाइनल की बात कांग्रेस करती है वो हो चुका, वो बार बार अपनी चीज़ों को ढांकने की कांग्रेस कोशिश करती है, ये सच नहीं है। लेकिन उपचुनाव है, लोकतंत्र में हर चुनाव का एक मायने होता है, लेकिन ये आम कोरोना के कारण वैसे भी विलंब से हो रहे हैं, लगता नहीं था कि ये चुनाव होंगे, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बनी उसमें चुनाव हो रहे हैं। हमें हमेशा अगर कांग्रेस में सामर्थ्य है, उसके संगठन में, उसके विचार में या उसकी कार्यप्रणाली में, तो उसको विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसको आदमी भूलेगा नहीं, लेकिन उससे बेहतर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है, उसके नाते जो मैदान पर उसने काम किया है, मैं कांग्रेस से बड़ी विनम्रता से सवाल करना चाहता हूँ, आप कहाँ थे कोरोना काल में? आप ही तो सरकार में थे। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आम आदमी भूलता नहीं है, इसे डाइवर्ट करने की वो गलती ना करें। चुनाव है, अगर पराजय होती है तो वो आत्मावलोकन करें। चुनाव में, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो परिणाम बाद में आता है, तब पता मालूम होता है कि कौन चुनाव जीता या हारा। ये कोई सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन चुनाव है और चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए, और वो पार्टी इतनी गंभीरता से लेती है।